इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है इस वीडियो में ध्यान और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। ओशो से उनके प्रवचन के दौरान एक सन्यासी मित्र पूछते हैं कि ध्यान से स्वास्थ्य का क्या संबंध है। तो ओशो कहते हैं, बहुत संबंध है, क्योंकि बीमारी का बहुत बड़ा हिस्सा मन से मिलता है। गहरे में तो बीमारी का 90% हिस्सा मन से ही आता है। ध्यान मन को स्वस्थ करता है, इसलिए बीमारी की बहुत बुनियादी वजह गिर जाती है। यह जो ध्यान की प्रक्रिया है, इससे शरीर पर सीधा प्रभाव होता है, क्योंकि 10 मिनट की तीव्र श्वास आपकी ऊर्जा को वाइटल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सारा जीवन श्वास का खेल है, क्योंकि परमात्मा से जीवन के बीच में श्वास ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जुड़े हुए रहते हैं। तो श्वास है तो जीवन है। हम जिस भांति श्वास लेते हैं वह पर्याप्त नहीं है। हमारे फेफड़े में समझें अंदाजन कोई 6000 छिद्र होंगे। और हम जो श्वास लेते हैं वह 2000 छिद्रों से ज्यादा छिद्रों तक नहीं पहुंचती है। बाकी 4000 छिद्र यानी 2/3 फेफड़े सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। यानी बाकी फेफड़ों के जो छिद्र हैं वो टॉक्सिन से भरे हुए रहते हैं। वह जो 4000 छिद्रों में भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, वह हमारे भीतर शरीर के भीतर सैकड़ों बीमारियों का कारण बनता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड समझें कि आपके भीतर जड़ है, जहाँ से सभी कुछ गलत निकल सकता है। 10 मिनट की भस्त्रिका तीव्र श्वास धीरे धीरे आपके 6000 छिद्रों को छूने लगती है, स्पर्श करने लगती है। आपके पूरे फेफड़े शुद्धतम प्राण से भर जाते हैं। इसका क्या परिणाम होगा? इसका बड़ा गहरा परिणाम शरीर पर होता है। दूसरे चरण का जो ध्यान का हिस्सा है वो कैथार्सिस का है, यानी रेचन का है। आपको शायद पता न हो, जो लोग ध्यान से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं, वे लोग भी बीमारियों को अलग करने के लिए कैथार्सिस को अनिवार्य मानते हैं। आज अमेरिका में कोई 10 लैब, 10 बड़ी प्रयोगशालाएं हैं जो सिर्फ कैथार्सिस से सैकड़ों तरह की बीमारियों को ठीक करने में सफल हुई हैं। यहाँ पर शायद ओशो बात कर रहे हैं डायनामिक मेडिटेशन की, जिसमें कैथार्सिस दूसरा भाग है। कुल डायनामिक मेडिटेशन में 5 हिस्से हैं, जिसमें दूसरा भाग है कैथार्सिस। आज अमेरिका में कोई तो इसालेन में यानी कैलिफोर्निया में एक बड़ी प्रयोगशाला है, वहाँ वे 15 दिन व्यक्ति को कैथार्सिस से गुजारते हैं। उसे लड़ना है, चीखना है, चिल्लाना है, तो उस सब का उपाय जुटाते हैं। उपाय ऐसा है कि जो किसी के लिए वॉयलेंट न हो जाए, यानी उपद्रवी न हो जाए, ऐसा वो ध्यान करवाते हैं। अगर उसे मारना है तो उसको तकिया दे देते हैं कि वह तकिए पर मारे, चोट करे। चिल्लाना है तो एकांत में चिल्लाए, कूदे फांदे। 15 दिन में वह बड़ी से बड़ी बीमारियों का परिणाम होता है, बड़ी से बड़ी बीमारियां गिर जाती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ध्यान का स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। बॉडी को अगर डिटॉक्स करना हो तो उसके लिए डायनामिक मेडिटेशन आज भी सबसे बड़ी रामबाण औषधि है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि बहुत सारे मित्र ये पूछते हैं कि भाई, कुल ओशो ने 115 ध्यान की विधियां दी हैं, तो उसमें से हम कौन सी विधि का चुनाव करें? तो यह एक जटिल प्रश्न है।
इसमें हमें एक आलेख हमको भेजा है हमारे ओशो के ही एक सन्यासी हैं पुराने स्वामी पूरन, उन्होंने एक आज ही शायद ये आर्टिकल भेजा है, तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। ओशो ध्यान विज्ञान 115 विधियाँ। जो लोग शरीर के तल पर ज़्यादा संवेदनशील हैं उनके लिए ऐसी विधियाँ हैं जो शरीर के माध्यम से ही आत्यंतिक अनुभव पर पहुँचा सकती हैं, और जो भाव प्रवण हैं यानी भावुक प्रकृति के हैं वे भक्ति प्रार्थना के मार्ग पर चल सकते हैं, और जो बुद्धि प्रवण हैं यानी जो माइंड ओरिएंटेड हैं उनके लिए ध्यान सजगता साक्षी भाव उपयोगी हो सकता है। लेकिन मेरी ध्यान की विधियां एक प्रकार से अलग हटकर हैं, कहते हैं ओशो, मैंने ऐसी ध्यान विधियों की संरचना की है जो तीनों प्रकार के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती हैं। उनमें शरीर का भी पूरा उपयोग है, भाव का भी पूरा उपयोग है और होश का भी पूरा उपयोग है, तीनों का एक साथ उपयोग है और वे अलग अलग लोगों पर अलग अलग ढंग से काम करती हैं। तो जाहिर है ओशो ने हमारा काम आसान कर दिया, तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमें कौन सी विधि हमारे शरीर पर कारगर होगी। इनमें से जो 115 विधियां हैं इनमें से कोई भी विधि आप चुन सकते हैं और एक दो बार हर विधि को करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपके लिए आपके शरीर पर कौन सी विधि का प्रभाव ज्यादा हो रहा है, उसी विधि को आप अपना सकते हैं। शरीर हृदय मन ये तीन मोटे तौर पर हमारे शरीर के तल हैं जिन पर हमें काम करना होता है ध्यान में। मेरी सभी ध्यान विधियां इसी श्रृंखला में काम करती हैं, यानी शरीर हृदय और मन। वे शरीर से शुरू होती हैं और हृदय से गुजरती हैं, उसके बाद वे मन पर पहुंचती हैं और उसके बाद मन का भी वो अतिक्रमण कर जाती हैं यानी मनोतीत हो जाती हैं, मनातीत। ओशो ध्यान विज्ञान पुस्तक विषय सूची दी गई है वो बताता हूँ। सुबह के समय करने वाली ध्यान विधियाँ, सूर्योदय की प्रतीक्षा के वक्त ध्यान करने वाली विधियाँ, उगते सूरज की प्रशंसा में सक्रिय ध्यान, मंडला ध्यान, तकिया पीटना, कुत्ते की तरह हाँपना, नटराज, इस क्षण में जीना, स्टॉप, कार्य ध्यान की तरह कार्य करना, सृजन में डूब जाएं, गैर यांत्रिक होना ही रहस्य है, साधारण चाय का आनंद, शांत प्रतीक्षा, कभी अचानक ऐसे हो जाए जैसे नहीं है, मैं यह नहीं हूँ यानी मैं नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, अपने विचार लिखना, विनोदी चेहरे, पृथ्वी से संपर्क, श्वास को शिथिल करो, इस व्यक्ति को शांति मिले, तनाव विधि, विपरीत पर विचार, अद्वैत, हाँ का अनुसरण करना, वृक्ष से मैत्री, क्या तुम यहाँ हो, निष्क्रिय ध्यान, आंधी के बाद निस्तब्धता। निश्चल ध्यान दिन के समय ध्यान करने वाली विधियां हैं, कौन कौन सी हैं, स्वप्न में सचेतन प्रवेश, यौन मुद्रा, काम ऊर्जा के उर्ध्वगमन की एक सरल विधि, मूल बंध, ब्रह्मचर्य उपलब्ध की सरलतम विधि, कल्पना भोग, मैत्री, प्रभु मंदिर द्वारा, शांति सूत्र, नियति की स्वीकृति, मौन और एकांत में 21 दिवसीय प्रयोग, प्राण साधना, मंत्र साधना, अंतरवाड़ी साधना, संयम साधना, संतुलन ध्यान, श्रेष्ठतम क्षण का ध्यान, मैं तू का ध्यान, इंद्रियों को थका डालें। इसके बाद आ जाइए दोपहर को करने वाली ध्यान विधियां, श्वास सबसे बड़ा गर्म मंत्र है, श्वास भीतरी आकाश का अंतरिक्ष यात्री, आकाश सा विराट एवं अणु सा छोटा, एक का अनुभव, आंतरिक मुस्कान, ओशो देखना ही ध्यान है, शब्दों के बिना देखना, मौन का रंग, सिरदर्द को देखना, ऊर्जा का स्तंभ, गर्भ की शांति संध्या के समय करने वाली ध्यान विधियां, कुंडलिनी, झूमना, सामूहिक नृत्य, वृक्ष के समान नृत्य, हाथों से नृत्य, सूक्ष्म परतों को जगाना, गीत गाओ, गुंजन, नाद भ्रम, स्त्री पुरुष जोड़ों के लिए नाद भ्रम, कीर्तन, सामूहिक प्रार्थना,
मुर्दों की भांति हो जाएं। अग्नि शिखरात रात के समय करने वाली ध्यान विधियां, प्रकाश का ध्यान, बुद्धत्व का अवलोकन, तारे के भीतर प्रवेश, चंद्र ध्यान, ब्रह्मांड के भाव में सोने जाएं, सब काल्पनिक है, ध्यान के भीतर ध्यान, पशु हो जाएं, नकारात्मक हो जाएं, हाँ हाँ हाँ, एक छोटा तीव्र कंपन, अपने कवच उतार दो, जीवन और मृत्यु ध्यान, बच्चे की दूध बोल की बोतल, भय में प्रवेश, अपनी शून्यता में प्रवेश, गर्भ में वापस लौटना, आवाजें निकालना, प्रार्थना, लातिहान, गौरी शंकर, देववाणी, प्रेम, झूठे प्रेम खो जाएंगे, प्रेम को फैलाएं, प्रेमी युगल एक दूसरे से घुले मिलें, प्रेम के प्रति समर्पण। ये अभी तक 100 ध्यान की विधियां मैं बोल चुका हूं, उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, थोड़ी सी हैं। प्रेम कृत्य को अपने आप होने दो, कृत्यों में साक्षी भाव, बहना, मिटना, तथाता, अंधकार, अकेले होने और मिटने का बोध, स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश, सजग मृत्यु, शरीर से अलग होने की विधि, मृतवत हो जाना, जाति स्मरण के प्रयोग, अंतर ध्यान, अंतर प्रकाश साधना, शिवनेत्र ध्यान, त्राटक यानी एकटक देखने की विधि, त्राटक ध्यान, रात्रि ध्यान। ये हो गई कुल, ये तीन प्रकार का त्राटक ध्यान है, उसमें अलग अलग है। अगर विस्तार से आपको इन सभी ध्यान विधियों के बारे में जानना है या इस विषय में कोई पुस्तक या ऑडियो वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट छोड़ दें, आप जहां चाहेंगे वहां आपको इस संबंध में, क्योंकि हमारे नज़दीक में ही ओशो बुक सेंटर उपलब्ध है जहां पर ओशो के सभी ऑडियो वीडियो और सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप रिक्वायरमेंट भेजेंगे तो आपके पास पहुँचा दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, इसमें आप देखते रहिए इंडिया आजकल सच खबर हर पल। नमस्कार। इंडिया आजकल सच खबर हर पल।